मेंबर भी रहे हैं, सर्टिफाइड टीम होल्डर भी रहे हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि इनकी जितनी भी शिक्षा है, जितनी भी एजुकेशन है, वो किसी और ने नहीं दी है, बल्कि बाबा साहब ने कंसेशन दिया है सेक्शन एजुकेशन में, और भाइयों वो कंसेशन हम सबको मिला है, हम सबको एजुकेट होना है, हम सबको शिक्षा लेनी है। जस्टिस करने इक्वालिटी में बिलीव रखते हैं, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, सबको समान अधिकार, सबको सामाजिक न्याय समान होना चाहिए, सब चीजें समानता के आधार पर होनी चाहिए। और इक्वालिटी के बहुत बड़े मानने वाले हैं, समानता में विश्वास रखते हैं। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या वाक्य हुआ, जस्टिस करणन का क्या वाक्य हुआ, इन्होंने जो मनुवादी सोच के लोग हैं उनके सामने झुकना जरूरी ना समझ के बाबा साहब के पदचिन्हों पे चलकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया, सुप्रीम कोर्ट में अकेले सात जजेस के बेंच के अधीन खड़े होकर लड़े। और भाइयों एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब जस्टिस कर्नल को सुप्रीम कोर्ट में समन किया गया, क्या नाम है आपका, वहां गए, उसी वक्त इन्होंने कह दिया था कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा पूरा समाज है। अगर आज मैं आपके सामने झुक गया तो मैं अकेला नहीं झुक रहा हूं, मेरा पूरा समाज, मेरे सारे लोग, मेरे वो करोड़ों लोग जो मुझ में विश्वास रखते हैं, अगर आज मैं आपके सामने झुक गया तो वो भी झुक जाएंगे, वो नहीं झुके। और बहुत ही कड़ाई से उस पल का उन्होंने सामना किया। शुरू से ही जातिवाद, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट इन्होंने एक मुहिम चला रखी है। 1983 में इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट में एक अधिवक्ता के तौर पर काम करना शुरू किया। काफी लंबे समय तक वहां रहे, फिर मद्रास मेट्रो वाटर एंड सीवेज बोर्ड के लीगल एडवाइजर बने, उसके बाद सरकार के वकील बने, गवर्नमेंट लीडर बने, और वो काफी सीनियर लेवल में गवर्नमेंट लीडर बने। फिर एक वो पल आया कि शायद मैं समझता हूं कि हमारे समाज के लोग उस जगह तक पहुंच पाते हैं जहां पर जस्टिस कर्नल पहुंचे। 30 मार्च 2009 को जस्टिस कर्नल को मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिस अपॉइंट किया और उन्हें जज एलिमेंट कर दिया। और भाई जस्टिस कर्नल उस बात को बहुत मानते हैं, बहुत कहते हैं कि उस समय के चीफ जस्टिस श्री बालकृष्णन जी, के जी बालकृष्णन जी उस समय के चीफ जस्टिस थे और कोलिजियम में इनका नाम आया था, उन्होंने ही इनका नाम आगे बढ़ाया और वो इनको गॉडफादर की तरह मानते हैं। जस्टिस कर्नल के जो पिताजी थे वो एक बहुत ही महान टीचर थे, उनको अपनी सेवाओं के लिए जो एजुकेशन, जो शिक्षा, जो ज्ञान उन्होंने समाज को दिया, उनको अपनी सेवाओं के लिए राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। भाई ये तालियों के साथ भाई इनकी जो माता जी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वो शिक्षा का महत्व बहुत जानती थी। उन्होंने जस्टिस कर्नल को हमेशा प्रोत्साहन किया, हमेशा प्रोत्साहित करती रही पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये बात बहुत समझने की है भाई, हमारे घर में हमारी माताएं हैं, दादी हैं, दादा हैं, हमारे बड़े लोग हैं, चाहे उन्होंने एजुकेशन ना ली हो, लेकिन जो शिक्षा का महत्व है अगर वो समझ जाते हैं तो हम, हमारा फ्यूचर सब कुछ सिक्योर हो जाता है, क्योंकि सफलता की एक चाबी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है और कुछ नहीं। मैं
हाई कोर्ट के जज रहे, 2 लाख से कुछ ऊपर सैलरी आती थी, कटकटा से जितनी मिलती थी 1,59,000 रुपया। भाइयों, सारा का सारा पैसा डॉक्टर अंबेडकर एडवोकेट एसोसिएशन मद्रास को डोनेट कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए संक्षेप में इनका परिचय खत्म करते हुए आई वुड रिक्वेस्ट ऑन रिवेज जस्टिस कर्नल टू बी प्रेजेंट एंड प्रेजेंट हिज स्पीच प्लीज सर। Today I am very happy to indeed to participate in this